कि मैं कल ऐसा रहूं या ना रहूं। अल्लाह हम सब कुछ करते ईमान की इस्तेकामत का फरमाए, हमारे सारा इस्तेकामत का फरमाए, लेकिन किसी को पता नहीं है कि कल ये टिक जाए, न जाने ईमान इसका ताबत रहता है या नहीं रहता। लेकिन इसे ये पता चला कि मेरे मुस्तफा इस्लाम का ये फरमाना फरमाया शहादत की मौत होगी, या क्या माना फरमाया कि नबी इस्लाम को इस बात का इल्म था क्या कि ये जिंदा भी रहेंगे और ये मुत्तकी भी रहेंगे, ये फरिश्ता भी रहेंगे और साथ साथ ये शहादत की मौत भी नसीब होगी। बात क्या इस पर जितने दलीलें हैं बयान कीजिए, इतनी कम है बस अलहमदुल्ला बहुत सही है। बाकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में बशारत दे दी, फलां पहले मरेगा, फलां बाद मरेगा, फलां ऐसा होगा, फलां ऐसा होगा, ये सारी खबरें हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, फरमाया मेरी बेटी सबसे पहले तू आकर मुझे मिलेगी। जब यहाँ फातिमा ज़हरा की बात सुनी आपने मुस्कुराना शुरू कर दिया। लादा मेरे दोस्त ऐ मेरे भाई मेरे अजीज़ और दोस्तों, कि अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करनी चाहिए, अल्लाह अहले बैत ने तौर की सच्ची और पक्की मोहब्बत फरमा, क्योंकि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था कि एक बजे तक मुझे इंतजाम करना है, तो मैंने ये टूटे फूटे अल्फाज अल कर दिए हैं। अल्लाह करे कि जहाँ टूटे फूटे हुए अल्फाज जिन पे रबत के बाद हैं वहाँ मिल जाए, वहाँ मिल जाए तो वहाँ मिल जाए इंशाल्लाह मेरा आपका काम बन जाएगा। वो मार जाना ये दोस्तों ने सुनता नहीं बन या कुछ।